ओडिशा ट्रेन हादसा आप सभी को याद होगा कि किस तरीके से तीन ट्रेन टकरा जाती हैं और वहां पर कैसे कई सारे लोगों की हत्या हो जाती है। कई सारे लोगों के जो परिजन हैं वो उनको ढूंढने के लिए जाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ओडिशा पहुंचना पड़ा, रेल मंत्री को ओडिशा पहुंचना पड़ा और इसके साथ साथ तमाम विपक्ष की पार्टियों के नेता भी ओडिशा पहुंचे उस रेल हादसे का जायजा करने के लिए, देखने के लिए कि आखिर कैसे लोग जो है वहां पर मौत का शिकार हो गए। हालांकि सभी के चेहरों पर वो झुर्रियां दिखी, वो दर्द दिखा जिस दर्द ने 288 लोगों की जान ले ली। लेकिन दर्शकों, बीजेपी सरकार अभी भी मूक दर्शक है। मुआवजा देने के बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि यहां पर जनता खुश नहीं है। हिसाब किताब कौन करेगा? परिजन जो जो उनके हैं उनके आंसुओं का हिसाब कौन करेगा? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस समय भी जो है लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है। ओडिशा ट्रेन हादसे दुर्घटना पर सुप्रिया श्रीनित ने जो है यहां पर फिर से बीजेपी सरकार को खड़ी खड़ी सुनाई है। आखिर क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुनिए। श्री खड़गे जी ने जो प्रधानमंत्री को 11 सूत्रों का एक पत्र लिखा, वो सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से ही नहीं, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं राज्यसभा में, एक पूर्व रेल मंत्री हैं। और इतनी भयावह त्रासदी पर जहां पर 288 लोगों की मौत हो गई, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, एक पत्र लिखा और उनकी जो लिखी हुई बातें हैं उसका वैलिडेशन, उसकी पुष्टि दो सीएजी की रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट, साउथ वेस्ट रीजनल रेल के जो प्रबंधक हैं उनका खत, सब उसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्या उनको वो चिट्ठी मिली नहीं? और ये कौन चार लोग हैं? एक तो इसमें से हवाई जहाज में बैठ के हवाई जहाज का एग्जिट डोर खोलने की कोशिश करते हैं, ये कौन लोग हैं? इनको किसने हक दिया कि ये चिट्ठी लिखे? अरे चिट्ठी प्रधानमंत्री को, या तो ये चार लोग अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट समझ रहे हैं तो बड़ी भयावह स्थिति है भैया। मोदी जी समझ लें, कौन अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट समझ रहा है इनकी पार्टी में? चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई है, जवाब उनके यहां से आना चाहिए। फुदक फुदक के ये चार लोग जवाब दे रहे, कौन है भैया आप? किसने आपसे जवाब मांगा है? क्या पता है आपको रेल के बारे में? शांति से बैठ जाइए। अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है, नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, हमारी लोकतंत्र की प्रणाली में जवाब तो प्रधानमंत्री के पास से आना चाहिए। असल में तो 288 लोगों की मौत के बाद कोई नैतिक हक नहीं है रेल मंत्री को अपने पद पर बने रहने का। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, वहां जाकर कैमरा पर फोन पर पिलर पकड़ के बात करते हैं। ये ऐसे देश चलता है और इसीलिए देश का ये हाल है जो हो गया है। तो सुना आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि 288 लोगों की मौत का आंकड़ा यहाँ पर ये बताता है कि बीजेपी सरकार ने क्या काम किए। आखिर कैसे सिग्नल को लेकर भी जो है कयास लगाए गए कि सिग्नल टूट गए थे, इसको लेकर भी कयास लगाए गए कि आगे जो ट्रेन आ रही थी उसका पता ही नहीं था। ये भी पता लगाया गया कि जो मालगाड़ी जा रही थी, जो पीछे ट्रेन आ रही थी उसको पता ही नहीं था। यानी कि तमाम कयास लग रहे हैं, तमाम झूठ भी सामने आ रहे हैं, लेकिन सच सामने अभी तक नहीं आ पाया है। हालांकि जो है सरकार ने यह बता दिया है कि रीजन क्या था, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो है रेल मंत्री सहित पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। आपको क्या लगता है जो सुप्रिया श्रीनित ने बोला, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।